नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। खैरागढ़ उपचुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, खैरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र अमलीढ़ी कला में आयोजित आम सभा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने आम सभा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 3.5 साल में कोई विकास नहीं किया है। जो भी योजना चल रही है उसमें भी लोगों का विकास नहीं हो पा रहा। चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में अमलीढ़ी कला में सभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से 12 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने की भी अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की सरकार के पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने घर घर आवास बनाने का काम कर रही है। राज्य सरकार पर 1,00,000 करोड़ का कर्जा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1,400 करोड़ की स्वीकृति दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही।